हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसे तरीके जिनका उपयोग करके आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप को अपने कंप्यूटर में इसी तरीके से कर सकते हैं एक्सेस। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दो ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने कंप्यूटर में मोबाइल के किसी भी ऐप को चला सकते हैं। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आपको एक एक्सटेंशन जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है ARC बिल्डर। ठीक है, इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल के किसी भी ऐप को इसमें आप इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको सेरिटेस का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में ऐप को भेजना होगा, या फिर कोई भी और तरीका हो सकता है जिनसे आप अपने मोबाइल के किसी भी ऐप को अपने कंप्यूटर में भेजें। उसके बाद दोस्तों ARC बिल्डर को आप करें इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद सिंपल दोस्तों इसे ओपन करें। दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से आप जाकर इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में जहाँ भी ऐप आपका है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड योर APK। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और उस फाइल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका ऐप रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कंप्यूटर में दोस्तों एक ऐप जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला Pixlab। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने रखा है और मैं यहाँ करता हूँ सिंपल तरीके से इसे ओपन। अब देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ चुका है। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन जो है आप चाहे तो जैसा है वैसा रख सकते हैं, नहीं तो आप एक बार इसे चालू कर ले, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले, उसके बाद इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा ही कर रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक करना है टेस्ट पे। दोस्तों, ये वाला ऑप्शन मेरे सामने इसलिए आया दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैंने इसे पहले ही ऐड किया है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऐड नहीं किया तो आपके सामने ये ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा। मैंने ऐड कर दिया था, इसलिए ऑप्शन ही आया। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों ये जो ऐप है हमारे सामने ओपन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों फोन का मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला ऐप है दोस्तों, जिसे दोस्तों हम लोगों ने अपने कंप्यूटर में ARC बिल्डर की मदद से इसे अपने कंप्यूटर में ओपन किया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप इस ऐप में दोस्तों आपको जो भी करना है, ठीक है, आप दोस्तों चेंजेस कर सकते हैं। और दोस्तों सिंपल दोस्तों इस ऐप को अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये सिंपल दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को किसी चीज़ को भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल जैसा मोबाइल में ये काम करता है उसी प्रकार यहाँ भी काम करेगा। उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके इसे कर सकते हैं सेव। ठीक है, सेव एस इमेज सिंपल तरीके से। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिटी वगैरह चेंज चाहिए तो आप कर सकते हैं सिंपल, तो आप सेव गैलरी में कीजिए और ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जैसा हम लोग मोबाइल में यहाँ पे पॉपअप ऐड जो ऐड होता है आता है, वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल के किसी भी ऐप को आप इसी तरीके से कर सकते हैं एक्सेस। और दोस्तों जब दोस्तों एक बार इस ऐप को आप यहाँ पे कर देंगे ऐड, तो दोस्तों ये चला जाएगा क्रोम के वेब स्टोर में, जहाँ पे दोस्तों हम किसी भी वेब क्रोम के दोस्तों जो ऐप होते हैं यहाँ पे वेब स्टोर से किसी भी अगर हम एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं तो सिंपल दोस्तों ये भी हो जाएगा एक्सटेंशन, जिसे दोस्तों अगर आप बाद में चाहते हैं ओपन करना, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों पहला तरीका। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है दोस्तों कि आपको अपने कंप्यूटर में दोस्तों एक दोस्तों जो इसे भी बेस्ट है और वो काफ़ी मतलब फास्ट काम करता है इसके मुकाबले। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में नॉक्स प्लेयर को इंस्टॉल करें। ठीक है, मैं इसे ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ दोस्तों। इससे जुड़ा हुआ मैंने तकरीबन दो वीडियो अब तक बना दिया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट सीखो में उपलब्ध है, जहाँ पे आप देख जाकर इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं आप देख कर सीख सकते हैं। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी मोबाइल ऐप को दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं,
नहीं तो आप अपने कंप्यूटर में उसे डालकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बार ओपन होता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सामने देख सकते हैं ओपन हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कि अब ये हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। दोस्तों इसे दोस्तों चलाना काफ़ी इजी है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर से किसी भी ऐप को करना है यहाँ पे ऐड, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, ये फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप किसी तरीके से ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पे वाई फाई ऑन कीजिए और प्ले स्टोर में जाइए, जैसे हम मोबाइल में जाते हैं, और किसी भी ऐप को कीजिए डाउनलोड, चाहे जियो सिनेमा हो या फिर जियो टीवी हो, और यहाँ पे कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं इसी तरीके से। देख सकते हैं दोस्तों ये पिक्सल ऐप जो हम लोगों ने देखा था, ये दोस्तों फोन का ऐप है दोस्तों, यहाँ पर कोई फ्रॉड बाजी नहीं चल रही है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया।